हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। आप सभी बैंक कर्मचारियों को वी बैंकर्स की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज वी बैंकर्स की याचिका की सुनवाई माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में होना निर्धारित थी और 11वें द्विपक्षीय समझौते कि अंतिम घड़ियों के मद्देनजर वी बैंकर्स की इस याचिका पर देश भर के बैंक कर्मचारियों की निगाह लगी हुई है। वे बैंक कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों को हम यह बताना चाहते हैं कि आज की सुनवाई के दरमियान भारत सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा माननीय न्यायालय से यह अनुरोध किया गया कि चूंकि उन्हें सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त नहीं है, इसलिए इस याचिका की सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दिया जाए। माननीय न्यायालय ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस याचिका की सुनवाई अब कल के लिए निर्धारित की है। बैंक कर्मचारियों के जेहन में, बैंक कर्मचारियों के दिल और दिमाग में ऐसे तमाम विद्वानों के द्वारा कई डाउट्स क्रिएट किए गए हैं, संदेह पैदा किए गए हैं वी बैंकर्स की याचिका को लेकर। जिन संदेशों से यह पता चलता है कि एक अभियान चलाया गया है कि वी बैंकर्स जो दिवाली के पूर्व उनको वेतन वृद्धि के रूप में जो एरिया प्राप्त करा मिलना वाला है उसमें कोई रुकावट पैदा करना चाहता है, इन सारे संदेहों को दूर करने के लिए हम यह बताना चाहते हैं कि वी बैंकर्स बैंक कर्मचारियों की इस परंपरागत कमजोरी को जानता है कि जब कभी हमारे समर्पणकारी नेता बैंक कर्मचारियों को 3 साल तक वेतन लंबित करवाने के बाद एक सब्ज बाग दिखाते हैं और बैंक कर्मचारी इतनी लंबी अवधि तक इंतजार करते करते थक जाता है, तब वह यह सोचकर उस समझौते को स्वीकार कर लेता है कि चलो जो मिल रहा है वही सही। तो 31 तारीख को अपना पुराना खेल खेलते हुए हमारे नेताओं ने बैंक कर्मचारियों को यह सूचित कर दिया है कि उनका वेतन मान क्या होगा, उनका डीए कितना होगा, स्पेशल अलाउंस कितना होगा और अब सारे बैंक कर्मचारी अपने अपने वेतन की गणना में लगे। वी बैंकर्स बैंक कर्मचारियों की इस परंपरागत कमजोरी को, उनकी इस परंपरागत आदत को अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए उसने अपनी जो याचिका लगाई है उसमें यह मांग की है कि 22 जुलाई 2020 को जो एमओयू साइन हुआ है उसके अंतर्गत जो 15% की वेतन वृद्धि निर्धारित की गई है, तय की गई है, सहमत बनी है, उसे एक अंतरिम राहत के रूप में बैंक कर्मचारियों को प्रति माह भुगतान किया जाना चाहिए और उसके आधार पर एरियर की गणना करके बैंक कर्मचारियों को उसका भुगतान किया जाना चाहिए। तो यह कहना कि वे बैंकर बैंक कर्मचारियों को मिलने वाली राशि के रूप में जो धनराशि मिलने वाली है उसमें कोई रुकावट पैदा करना कर रहा है, यह नितांत गलत है, झूठ है और इसे अपने दिमाग से निकाल दिए जाने की जरूरत है। तो अब सवाल यह उठता है कि वी बैंकर अपनी याचिका के माध्यम से क्या कहना चाहता है, उसकी असली मांग क्या है। इस बारे में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि वी बैंकर्स ने भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन की जो
अथॉरिटी है, पावर है, कॉम्पिटेंस है, उसको चुनौती दी है। वी बैंकर ने जो 26 सितंबर 2019 को अपना स्टेटमेंट ऑफ केस दिया था और उस पर एक जोरदार हमला इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के ऊपर बोला था, जिससे घबराकर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने 30 सितंबर 2019 को अपना एक लॉ सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने खुद बताया था कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाई एनी स्टेट्यूट, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इज नॉट अमेनेबल टू एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और रिट पटिशन। ये जो सारी बातें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने अपने लास्ट सर्कुलर में पहले कही, और फिर भी बैंकर के औद्योगिक विभाग में आकर अपने लिखित प्रतिवेदन के रूप में यह कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पास वी बैंकर से वार्ता करने के लिए नियोक्ता बैंकों के द्वारा कोई मैंडेट नहीं दिया गया है और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन कोई एक वैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए वी बैंकर्स को चाहिए कि वह नियोक्ता बैंकों से सीधे बातचीत करें और उन्हें पक्षकार बनाए। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की इसी सलाह को मानते हुए वी बैंकर्स ने अपने औद्योगिक विभाग में सभी नियोक्ता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक पार्टी बनाया था। अब जो वी बैंकर ने एक सवाल पैदा किया है, उस सवाल को समझने के लिए हम आपका ध्यान उन वैधानिक प्रावधानों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिन्हें आपको जानना समझना जरूरी है और वी बैंकर की याचिका को समझना जरूरी है। पहली बात, एक सर्वमान्य विधि का सिद्धांत है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेल सेटल्ड लीगल पोजीशन है, जिसके तहत इफ ए डिस्प्यूट इज एन इनिशियल डिस्प्यूट एंड इट हैज पास्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग्स, द गवर्नमेंट हैज टू टेक ए डिसीजन अंडर सेक्शन 12(5) ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट whether to refer the dispute to the tribunal for adjudication or not। तो देश के महाधिवक्ता को, उच्च न्यायालय को यह बताना है कि 11 जून को जो भी बैंकर्स की डिस्प्यूट पर फेल्योर ऑफ कॉन्सिलेशन रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी गई थी, सिटीजन ऑफ चार्टर के अंतर्गत जिस पर 45 दिन में भारत सरकार को अपना फैसला लेना था, उस पर भारत सरकार ने क्या फैसला लिया है, क्या भारत सरकार वी बैंकर के डिस्प्यूट को केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को रिफर कर रही है, अगर वो रिफर नहीं कर रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, ये महाधिवक्ता को बताना है। दूसरी बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और जिसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए गूगल, जो कि आजकल का सबसे प्रमाणिक गुरु है, उसकी सेवाएं ले लेनी चाहिए, और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2P का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें सेटलमेंट की परिभाषा दी गई है। इस सेटलमेंट की परिभाषा को हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं। यह परिभाषा है कि सेटलमेंट मींस ए सेटलमेंट अराइव्ड एट इन द कोर्स ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स एंड इंक्लूड्स ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लायर एंड द वर्कमैन अराइव्ड एट अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स वेयर सच एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय द पार्टीज देयर टू इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड and a copy thereto has been sent to the officer authorized in this behalf by the appropriate government and the consulation officer।
यानी अगर हम इस परिभाषा समझौते की इस परिभाषा पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि दो तरीके के समझौते हो सकते हैं। एक समझौता वह समझौता है जो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग के दरमियान हो, यानी कैंसिलेशन ऑफिसर के सामने हो, और दूसरा समझौता वह है जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में बिना कैंसिलेशन प्रोसीडिंग के हो जाए और उसकी एक कॉपी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कैंसिलेशन ऑफिसर को भेजी जाए। तो अब यहां एक प्रश्न पैदा होता है कि समझौता होता है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, पेच यह फंस गया है कि भी बैंकर्स का कहना है कि आईबीए एक एम्प्लॉयर नहीं है, आईबीए ने खुद कहा है कि वो एक कोई लीगल बॉडी नहीं है। अभी तक हम लोग ये सुनते आए थे, सभी बैंक कर्मचारी जानते हैं कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इज एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर बैंक्स, ये एम्प्लॉयर बैंक की एक एसोसिएशन है। वी बैंकर के द्वारा आईबीए की पात्रता को, उसके आधार को और उसकी कॉम्पिटेंस को चुनौती देने के बाद आईबीए अब खुद कह रही है कि वो कोई एसोसिएशन नहीं है, वो तो एक फैसिलिटेटर है। अब जब एक ऐसी बात पैदा हुई है तो जो ये समझौता करने जा रहे हैं ये तो समझौता की जो परिभाषा है उसी पे खरा नहीं उतर रहा। आईबीए एक नियोक्ता नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं है, तो अब एक खेल खेला गया है। अभी तक जितने 10 द्विपक्षीय समझौते हुए हैं उनमें लिखा जाता था फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अब एमओयू जो 22 जुलाई को हस्ताक्षरित हुआ है या जो अब समझौता होने जा रहा है उसमें फॉर मैनेजमेंट लिखा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है एक नेगोशिएशन कमेटी बना दी गई है नियोक्ता बैंकों के द्वारा। अब पेच यह फंसा है कि जो वैधानिक स्थिति है उसके अंतर्गत मैनेजमेंट के ये रिप्रेजेंटेटिव जो दस्तखत कर रहे हैं इनको किसने नियुक्त किया है, इनको किसने अधिकार दिया है, इनकी पात्रता कैसे है। जब इस कानूनी अधिकार पर हम जाते हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। उसके प्रावधान के अंतर्गत द बोर्ड ऑफ द बैंक इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अधिकार देता है। तो जो ये अधिकार है ये नियोक्ता बैंकों के बोर्ड के द्वारा, अकेले बोर्ड के द्वारा नहीं, रिजर्व बैंक की सलाह से और भारत सरकार की पूर्व अनुमति से मिलना। तो जो ये सेटलमेंट है जिसकी की परिभाषा आईडी एक्ट में दी गई है उस परिभाषा पर खरा नहीं उतर रहा। अब एक प्रावधान है जो कि समझौते में ही लिखा है इन्हें प्रेस्क्राइब्ड मैनर, तो वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर क्या है उसके बारे में आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंटर रूल्स 1957 के रूल 58 में चले जाइए जो हमारे इस मौजूदा समझौते पे लागू होता है। वो कहता है कि वेयर ए सेटलमेंट इज अराइव्ड एट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर ए बोर्ड आर ए कैंसिलेशन ऑफिसर द पार्टीज टू द सेटलमेंट शैल ज्वाइंटली सेंड ए कॉपी देयर ऑफ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट द चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल न्यू दिल्ली एंड द रीजनल लेबर कमिश्नर एंड टू द स्टेट लेबर कमिश्नर सेंट्रल कंसर्न। यानी अगर आप कैंसिलेशन प्रोसीडिंग के अंतर्गत समझौता नहीं कर रहे, आपस में एक समझौता कर रहे हैं, तो उसकी एक कॉपी भारत सरकार को भेजनी है, मुख्य श्रमायुक्त को भेजनी है, संबंधित क्षेत्रीय श्रमायुक्त और सहायक श्रमायुक्त को भेजनी है। अब भी बैंकर ने
यह सुनिश्चित किया है, उसकी एक सोची समझी रणनीति है ये कि आईबीए ने जो कुछ कहा है उसके आधार पर जो ये समझौता करने जा रहे हैं उसको एक पंजीकृत समझौते का रूप न मिलने दे, उस पर एक सवाल खड़ा करे। तो वी बैंकर्स अपनी इस याचिका के माध्यम से यह चाहता है कि जो एक इलीगल बॉडी है, जो एक गैर वैधानिक संस्था है इंडियन बैंक एसोसिएशन, उसकी जगह पर एक वैधानिक संस्था राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सब्स्टिट्यूट किया जाए, उसको वैकल्पिक रूप से स्थापित किया जाए, और जो सहमति यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और आईबीए के बीच में बनी है वेतन वृद्धि की, 15% वेतन वृद्धि की, उसको एक इंटरिम राहत के रूप में, एक एडहॉक पेमेंट के रूप में बैंक कर्मचारियों को भुगतान किया जाए। हम समझते हैं कि हमने आपके संदेहों को, आपके अंदर जो उत्कंठा है, आपके अंदर जो भी बैंकर्स की सोच को जानने की उत्कंठा है, उसको का निराकरण करने का एक तर्कपूर्ण और आधिकारिक प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि आप इस पर चिंतन करें, मनन करें और वी बैंकर के आंदोलन को एक समझने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।